हाय, मैं हूं हुसैन अली खान और आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। जैसा कि जब मेरा बैच ख़त्म हुआ था बॉयलर का, तभी मैंने आपको बता दिया था कि मेरी अगली वीडियो लेयर पे होगी। तो ये लेयर की पहली वीडियो है मेरी, और ये लेयर के लिए ही नहीं, ये लेयर ब्रीडर जितने भी बर्ड हैं जो कॉमर्शियली पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं, जिनसे हम अंडे अंडे जिससे हम अंडे प्राप्त करते हैं, ये केस प्रोलैप्स उनके हर उन बर्ड के केस में हो सकता है। तो मैं आज प्रोलैप्स के बारे में क्या क्या बताऊंगा, इसके डिफिनीशन बता दूंगा, इसकी परिभाषा बताऊंगा आपको कि ये होता क्या है, इसका रीज़न बताऊंगा कि ये क्यों होता है, और इसका कुछ कंट्रोल बताऊंगा कि आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो पहले मैं आपको नॉर्मल, अगर इस शब्दों में कहा जाए इसको, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें बाहर आ जाता है। और अगर मैं इसको और आसान तरीके से समझाना चाहूँ आपको, तो मैं आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब फीमेल जो है अंडा देती है, तो अंडा देते समय उसका वेजाइनल पार्ट बाहर आता है, और अंडा देने के बाद उसका वेजाइनल पार्ट वापस अपनी जगह पे अंदर चला जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो वेजाइना का पार्ट जो अंडा देते समय बाहर आया था वो अगर अंदर नहीं जा पाता है, तो इसे ही प्रोलैप्स कहते हैं। और जो वेजाइना का पार्ट होता है वो रेड कलर का होता है, और रेड कलर के होने की वजह से जो है अगल बगल के जो बर्ड होते हैं वो उस पर चोंच मारना शुरू कर देते हैं, और तब तक वो समझिए कि तब तक चोंच मारते हैं जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए, उसकी चोंच मारने की वजह से डेथ भी हो जाती है। अगर मैं अब इसके रीज़न की बात करूँ ये प्रोलैप्स होता ही क्यों है, तो इसका सबसे पहला और सबसे मेन रीज़न क्या है कि बर्ड की एज कम हो, मतलब बर्ड अभी कहते हैं अंडा देना शुरू की हो और उसके अंडे की साइज़ बहुत बड़ी हो, तो उसकी वजह से प्रोलैप्स हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फैटी बर्ड, यानी कि मोटा अगर बर्ड है तो उस कंडीशन में भी प्रोलैप्स हो जाता है। उसके बाद है पुअर यूनिफॉर्मेलिटी, यानी कि आपका जो फ्लॉक है उसमें कई सारे बर्ड बहुत ही छोटे हैं, कई सारे बर्ड बहुत ही बड़े हैं, तो उसकी वजह से भी ये होता है। उसके बाद है अर्ली लाइटिंग। आप जानते हैं कि लेयर हो या फिर ब्रीडर हो, इसमें एक प्रॉपर लाइटिंग प्रोग्राम फॉलो किया जाता है कि इतने एज से इतने एज तक इतने इतने घंटे लाइट देना। अगर आप उसमें कहते जरा भी कहते इधर उधर करते हैं, तो ये टाइप इस तरह का प्रोलैप्स हो सकता है। उसके बाद है एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, अगर बर्ड पे किसी भी तरह की परेशानी कहते आती है तो उसकी वजह से भी प्रोलैप्स हो सकता है। उसके बाद है हाई इंटेंसिटी लाइट, अगर जैसे कि हम लोग बॉयलर में देते हैं ना हाई इंटेंसिटी लाइट, अगर हम लेयर में ब्रूडिंग के बाद उस तरह की लाइट देते हैं तो वो भी ये हो सकता है। अब इसके बाद करते हैं कंट्रोल की, तो एक बार हो गया तो हो गया, इसमें आप क्या कर सकते हो, अच्छा और कंट्रोल फीड दे सकते हो, प्रॉपर फीड दे सकते हो जो लेयर के लिए स्पेशली बना हो। उसके बाद क्या है, आप जब ये ग्रोइंग टाइम में हो, जब अंडा नहीं दे रही हो, जब इसकी ग्रोइंग चल रही हो, तब आपको इसको अच्छे से लाइटिंग करनी है, अच्छे से लाइट देना। अगर आप ग्रोइंग के टाइम में अगर आपने इसे लाइट अच्छे से नहीं दी, तो उस समय तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, आपको लगेगा हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ग्रोइंग के बाद लेइंग में आएगी तो इसको प्रोलैप्स आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने वहाँ पे लाइट सही से नहीं दी थी ग्रोइंग के टाइम में। और क्या होता है कि जब प्रोलैप्स हो जाता है तो कई सारे जो सुपरवाइज़र होते हैं या फिर फार्म ओनर होते हैं वो बर्ड को उल्टा कर देते हैं, कि उल्टा करने से क्या होगा कि वेजाइनल पार्ट अंदर चला जाएगा। तो हो सकता है कई केस में ये काम करता हो, कुछ केस में ये काम ना करता हो, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। तो यही था आज का प्रोलैप्स के ऊपर के टॉपिक, और मैं आगे भी कई सारे वीडियोस बना रहा हूँ अलग अलग टॉपिक पे। तो आप हमेशा आप लोग तो लाइक करना भूल ही जाते हैं, तो इस बार ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपका कोई भी कमेंट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री, मैं हूँ हुसैन अली खान, आप सभी का द ब्रो पोल्ट्री देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।